हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक हिमाचल. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग पूनम. सो आई होप कि आज आप हिमाचल प्रदेश जीके के सेशन के लिए रेडी होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है टेस्ट सीरीज़. ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि जो हिमाचल जीके की जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, वो 299 रुपीज़ में, ठीक है, 299 रुपीज़ में मिल रही है सिर्फ आज तक. 10th October लास्ट डेट है. अगर आपने रोज़ सेशन देखे होंगे तो 299 रुपीज़ में आज लास्ट डे है उसका. ठीक है, अगर किसी ने अभी तक नहीं खरीदी है तो वो जो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, आप वहां से टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो. क्योंकि जो ये लास्ट के डेज है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो गया. ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारा एग्जाम है तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट सीरीज होती है वो सबसे बेस्ट होती है. तो अगर किसी ने अभी तक नहीं खरीदी है तो वो 299 रुपीज़ में आज लास्ट डेट है, उसको खरीद सकते हो. सो गुड इवनिंग एवरीवन, साहिल, शीतल, गौरव, सिमरन, गौरव शर्मा, अभिषेक धीमान, गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप कि आज आप सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे. ठीक है, सबसे पहले देखो 15 जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 15, ठीक है, 15 जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के है कि आप लोगों की जो ज्योग्राफी है हिमाचल की वो कितनी स्ट्रांग है. गुड इवनिंग ज्योति, कविता, जगदीश. ठीक है, तो सबसे पहले 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हिमाचल की ज्योग्राफी से रिलेटेड है. ओके, सबसे, और मुझे ये भी बताओ कि किसको लगता है कि जिसकी जो ज्योग्राफी है हिमाचल की वो बहुत स्ट्रांग है और 15 क्वेश्चन में से वो 15 करेक्ट करने वाला है, ये मुझे अभी बताओगे तो मैं उनके नाम है वो नोट करके रखूंगी. तब तक और लोगों का भी वेट कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी है. जो आज के टॉपिक्स है हमारे वो कांगड़ा है, ठीक है, ऊना है, हमीरपुर है और बिलासपुर. मेजर जो क्वेश्चंस है वो आपको इन 4 डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले साहिल चौधरी, आई है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी होती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ज्योग्राफी. शीतल शर्मा, अच्छा, मानसिक है 15 out of 15. अभिषेक धीमान ने ट्राई आर बेस्ट मैम. ओके, चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से ट्राई करना, कोशिश करना कि आपके 15 में से 12 और 13 क्वेश्चंस तो ठीक होने चाहिए. अगर 15 out of 15 होते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, उसमें से आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है. फर्स्ट है ऊना एंड इंदौरा आर द पार्ट ऑफ सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन. सेकेंड स्टेटमेंट है धर्मशाला एंड पालनपुर आर द पार्ट ऑफ ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन. तो फर्स्ट का जो आंसर है, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ के ध्यान से देना. ठीक है, जो फर्स्ट का आंसर है, देखो डी और सी, कोई ए भी दे रहा है तो फर्स्ट ही क्वेश्चन में, मतलब कि इतने सारे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशंस है. ठीक है, अभिषेक धीमान ने तो मैसेज जो आंसर को डिलीट कर दिया हुआ है. ठीक है, देखो इस तरह से अगर आप एग्जाम में करोगे ना तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो नेगेटिव आपको नंबर देगा. ठीक है, तो आपको जो आंसर करना है वो पहले ही करेक्ट दो. अभी भी ए सी सी, मुझे किसी का भी जो आंसर है सी, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि और भी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मुझे बहुत सारी वेरिएशन दिख रही है पहले ही क्वेश्चन में. क्या पहले ही क्वेश्चन में क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो? पहला जो क्वेश्चन है वो तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे ज्योग्राफी का, और ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, कि जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, क्या उसमें ऊना और इंदौरा आते हैं? ऊना तो डिस्ट्रिक्ट है और इंदौरा जो हमारा कांगड़ा का पार्ट है. ठीक है, इसके साथ एक और प्लेस भी है. ठीक है, इसके साथ एक और प्लेस है जिसका क्या नाम है? ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है, कन्फ्यूजन हो रही, देखो कन्फ्यूजन हो रही, तो एग्जाम में भी इसी तरह से कन्फ्यूजन होती है शीतल. ठीक है, तो वो सारी की सारी कन्फ्यूजन को अभी क्लियर कर लो. भावना, भावना ने लिखा है डलहौजी एंड जोगिंदरनगर ऑफ मंडी. देखो यहाँ पे जो ऊना इंदौरा है ये आपके सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन के ही पार्ट है, और जो धर्मशाला पालमपुर है ये आपके ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन के पार्ट नहीं है. ये किसके पार्ट्स है?
इसमें आपके चार पार्ट्स है, धर्मशाला, पालमपुर, डलहौजी और जोगिंदरनगर। ये जो आपके पार्ट्स है ये किस किस में आते हैं? वेट सब टेम्परेट, वेरी गुड, जो पारुल खरयाल ने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। जो आपके धर्मशाला और पालमपुर है ये आपके पार्ट है वेट सब टेम्परेट जोन के, ठीक है। इसमें सिर्फ चार ही है, ध्यान रखना। ड्राई में आपको पता होगा जो ड्राई वाला रीजन है उसमें आता है किन्नौर, पांगी और लाहौल एंड स्पीति, और जो आपका वेट वाला पोर्शन है उसमें धर्मशाला, पालमपुर, डलहौजी और जोगिंदरनगर और ऊना और इंदौरा आते हैं आपके, एंड तलवारा, ये आते हैं आपके किसमें? सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अभी इसका आपने रिवीजन नहीं करा है तो प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। ठीक है, अब आप अपने मार्क्स काउंट करते हैं ना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, लूनी, मनुनी एंड चक्की आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चिनाब, सतलुज, ब्यास या फिर रावी? ब्यास। तो सभी का जो आंसर है वो है ब्यास, ठीक है। ब्यास, लूनी, मनुनी, चक्की आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, ओके। चक्की, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्यास, ठीक है। तो आपको जो कांगड़ा में ब्यास की और भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे अवा है, ठीक है, अवा रिवर होगी, वो भी आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। चक्की आपकी बेसिकली नूरपुर जो आपका एरिया है वहाँ से ये बहती है, ठीक है। तो ये सभी का करेक्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ब्यास का संस्कृत नेम और वैदिक नेम क्या है, क्या आपको पता है ब्यास का संस्कृत और वैदिक नेम? जल्दी से मुझे बताइए। बाणगंगा भी है, न्यूगल भी है, बिनवा भी है, बनेर भी है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये लेक्स है और ये आपके डिस्ट्रिक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको हम जल्दी जल्दी से कवरअप करेंगे, तो इसका क्या आंसर होने वाला है मुझे जल्दी से बताइए। अर्जिकिया, वैदिक नेम अर्जिकिया है, और जो विपाशा है वो आपका है संस्कृत नेम ब्यास का, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, ये तो बहुत इजी है। गोविंद सागर हमारी बिलासपुर में है, चंद्रताल हमारी लाहौल में है, रिवाल सरमंडी में है, और चंद्रकूप आपकी चंबा में है, ठीक है। और चंद्रनाहन, चंद्रनाहन कहां पर है? चंद्रनाहन भी मुझे बताइए, चंद्रनाहन कहां है? ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो है सी, जो कि सभी लोगों ने, चंद्रनाहन शिमला में है, ओके। जस्ट वन सेकेंड, मैं ब्राइटनेस को कम करती हूँ। आई होप कि अब ठीक होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है चार स्टेटमेंट, ध्यान से इनको, इसको भी पढ़ना और फिर मुझे बताना कि इन में से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। इन एंशिएंट टाइम्स धौलाधार हिल्स वर नोन एज मानक पर्वत। सेकंड है शिवालिक हिल आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। थर्ड है ट्रांस हिमालय इज 36% ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लीस्ट कल्टिवेटेड, दैट इज 5% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। जांस्कर रेंज सेपरेट स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। जो फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स है, तो प्लीज जो इसका आंसर है वो आप अच्छे से दीजिएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर सभी लोग दो ए बता रहे हैं, ठीक है। तो जो मानक है वो शिवालिक को बोला जाता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है ये 36% कवर करते हैं टोटल हिमाचल प्रदेश का, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये पहले भी हमारे एग्जाम में आया है। और जांस्कर जो है वो स्पीति और किन्नौर को, स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत, उससे उसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 2, 3 एंड 4, धौलाधार को बोला जाता है मोनाक पर्वत, ठीक है। तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ये भी इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ऊना,
सभी पारुल अभिषेक साहिल रजत काजल एच ई एस एस्पिरेंट ठीक है विजय एन टी अनमोल शर्मा ससिमरन ठीक है तो ऊना इज द करेक्ट आंसर। देखो अब किसी को थोड़ा सा डाउट होगा ये हल्का सा टच करती है ना हल्का सा टच करती है तलवारा के पास ये बट अगर हमें बेस्ट आंसर निकालना है तो वो ऊना ही है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है ठीक है बसोदन दुलची इंद्राहर और धारठी ये क्या है ये पासेस है ठीक है आपको बताने हैं कि ये किससे किसको कनेक्ट करते हैं ठीक है तो आराम से इसको बताइए मुझे कि इसका क्या आंसर होने वाला है सिक्स का जो आंसर है सभी सिक्स का जो आंसर है वो ए बता रहे हैं ए ठीक है हाँ ठीक है क्योंकि ये इसका जो अगर किसी को दराती पास के बारे में पता है तो जो कि आपका चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है तो यहां से सीधा डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो ए हो जाता है ठीक है। दराती भावना शर्मा दुलची मंडी एंड कुल्लू बसोदन चंबा एंड भटियार अगर किसी को दराती से ही दराती पता था तो वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ इसको करेक्ट कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्यूपाइड बाय द शिवालिक हिल जोन इज नियरली -% ऑफ द टोटल एरिया अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से इसका भी आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है कि कितना एरिया को ये कवर करता है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेवेंथ का आंसर 53B। देखो इसमें भी मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिल रहा है इसको स्किप भी कर रहे हैं और कोई ए आंसर दे रहा है कोई बी आंसर दे रहा है ठीक है तो मतलब कि अभी तक मेरे को दूसरा ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि थोड़ा सा आंसर्स में वेरिएशन देखने को मिल रहा है ठीक है बट मैक्सिमम जो लोग है वो इसका आंसर ठीक दे गौरव शर्मा 35% इज द करेक्ट आंसर तो जिन्होंने भी ए आंसर किया है उनका बिल्कुल ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है द सब हिमालयन हिल इन ऊना डिस्ट्रिक्ट आर कॉमनली नोन एज सोला सिंगी और जसवाधार द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना इज भरवैन बल्कि इसको भरवैन ही बोलते होंगे भरवैन ठीक है तो इसमें आपको बताना है। देखो सुरक्षा शर्मा बहुत जल्दी आंसर करिए पूनम शर्मा ने बहुत जल्दी आंसर किया है जो कि गलत आंसर है और देखो यहाँ पर भी यही तो मिस्टेक करते हो एग्जाम में भी यही मिस्टेक होता है। एट्थ का सुजाता ने आंसर डी दिया है भावना ने भी डी नीरजा ने सी जो कि ठीक नहीं है भावना शर्मा देखो साहिल शर्मा ने सी जो सी आंसर कर रहे हैं वो एक बार यहाँ पे नॉट करेक्ट देख लो ठीक है आपसे नॉट करेक्ट पूछा है ठीक है प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था हमारा एचएस का वहां पे भी नॉट करेक्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे ठीक है तो जब आपका नॉट करेक्ट है और आपको पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा नन ऑफ द एबव क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारी ठीक है फर्स्ट भी ठीक है सेकंड भी ठीक है ऊना का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भरवैन ही है और जो सोला सिंगी और जसवां धार क्या है आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही है ठीक है तो इसीलिए जो आंसर होगा डी होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा जिन्होंने सी आंसर किया था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपको दो स्टेटमेंट गिवन है हाथीधार फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हाथीधार है हमारी ठीक है वो बाउंड्री बनाती है चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में। सेकंड स्टेटमेंट है द टाउन ऑफ हमीरपुर लाइज टू द ईस्ट ऑफ द जाखधार जो जाखधार है ठीक है जाखधार के ईस्ट में आपका क्या है हमीरपुर है। अब ये बहुत लोगों के लिए इजी क्वेश्चन होगा और बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो साहिल चौधरी तो सोच में डूब गए 9th का सी मतलब कि अगर साहिल चौधरी का माइनस हो गया 1 इसमें भी देखो बहुत लोगों ने कि कोई अभिमन्यु ने इसको स्किप करा है विनय शर्मा ने ए आंसर दिया है विनय मानसी का भी माइनस चला गया है मानसी ने क्या आंसर दिया था शीतल शर्मा फर्स्ट तो करेक्ट है फर्स्ट तो सभी को पता है फर्स्ट तो डेफिनेटली करेक्ट है। सेकंड बताओ मुझे कि हमीरपुर वाले कितने लोग हैं यहाँ पे उनका तो ठीक होना चाहिए जो हमीरपुर
ऊना और जो फर्स्ट इज, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, सेकंड भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जो जाखधार इज बिटवीन कांगड़ा एंड हमीरपुर आई गेस। देखो गेस नहीं करना है आपको, बिल्कुल ठीक से आंसर देना है। ठीक है, तो ये जो ईस्ट ऑफ जाखधार में ही आपका हमीरपुर पड़ता है। ठीक है, जो यहाँ पे कोई हमीरपुर से है वो ज्यादा क्लियर कर लेगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, साहिल चौधरी पठानकोट से है, आपने तब भी गलत आंसर किया था। टेंथ का जल्दी से आंसर बताइए, टेंथ का क्या आंसर होने वाला है। टेंथ का बी, बी ठीक है। अच्छा, किसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट याद है, किसको लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो याद है, वो भी मुझे जल्दी से बताइए। टेंथ में ए और सी, ए और सी में कंफ्यूजन नहीं है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल है वो आपका है 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट टू 79 डिग्री 0.404 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, बस इतना ही, हर डिस्ट्रिक्ट के नहीं ध्यान रखने हैं, बट हमें हिमाचल का तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको जो तो बुक्स है उसमें तो सभी के गिवन है, बट आपको हिमाचल का ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बिलासपुर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में 7 हिल्स है, 7 में से मैंने 4 हिल्स आपको यहां पर डाली है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी से मुझे बताइए, कि जो कोट हिल है, त्यून है, झंझियार है और नैना देवी हिल है। ठीक है, तो 11th का जो आंसर है, 11th का जो आंसर है वो सभी त्यून में श्रीयून। ठीक है, आप इसको, ठीक है, त्यून श्रीयून, तो जो आंसर है 11th का वो सभी के सभी क्या दे रहे हैं, बी। 11th का सिमरन कौर सी आंसर कर रही है, सिमरन कौर ने सी नहीं है सिमरन। ठीक है, इसको याद रखना कि नैना देवी जो हिल है वहां पर आपका कोट कहलूर जो फोर्ट है और फतेहपुर फोर्ट है वो आपका नैना देवी हिल पर है। त्यून और श्रीयून को आप यूएन और यूएन से याद रख सकते हो। ठीक है, और जो बाकी है, अगर दो भी आप मैच कर लेते हो तो जो बाकी बचे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जल्दी से मुझे बताइए। द ब्यास रिवर एंटर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट विलेज कसौल एंड लीव्स द डिस्ट्रिक्ट एट विलेज नैला। सेकेंड है, द अली स्ट्रीम ज्वाइन सतलुज रिवर एट बैरी घाट। ठीक है, थर्ड है, द दामबर खट ज्वाइन रिवर सतलुज एट विलेज डगरैन। थर्ड है, फोर्थ, द सीर खट ज्वाइन द रिवर सतलुज एट विलेज सैरी। ठीक है, आपको पता ही है कि जो अली है, गांबर है, सीर खट है, ये आपकी बिलासपुर में सतलुज की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट अबाउट अभिषेक धीमान। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को समझ आ गया कि जो ये ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर तो है ही नहीं बिलासपुर में, बिलासपुर में तो सतलुज रिवर है। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है और बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जी हाँ, ठीक है जगदीश राणा, नो ब्यास इन बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर में तो सतलुज रिवर है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ हिमाचल द एक्सटेंट ऑफ कल्टिवेशन इन टर्म ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इज मोर। तो ये भी मुझे जल्दी से बताइए कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर। अभिषेक दीमान 13 का बी गलत, -1। जितना भी जो भी आंसर बी बी कर रहे हैं, सब सबका जो आंसर है, काजल, काजल शर्मा ने इसका आंसर ए दिया है, काजल, भावना, भूमेश, प्रियंका ठाकुर ए। ठीक
ठीक है, देखो जिसने भी इसका आंसर बी दिया है उनको अपने जो नंबर है उसमें माइनस वन करना होगा, पंकज गौतम ए, तो ए करेक्ट आंसर है। सब हिमालयन जोन किसी को पता है किसको बोलते हैं? सब हिमालयन जोन, सब हिमालयन जोन किसको बोला जाता है? जो सब हिमालयन जोन है हमारा, वो हमारा आउटर जो हिमालयाज है, ठीक है, यस, जो शिवालिक है, जो आउटर हिमालय वाला जो पोर्ट, जिसको आउटर हिमालय भी बोला जाता है शिवालिक को, वो आपका सब हिमालयन जोन है। और ये ही आपका जो कल्टीवेशन इन टर्म ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी बहुत बच्चों को डाउट होता है, ग्रुप्स में भी आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन घूमते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब आपको बताना है धर्मशाला इज द रेनिएस्ट प्लेस एज इट्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, स्पीति इज द ड्राइएस्ट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट लाइज इन द रेन शेडो जोन। दोनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है, कि इसका क्या आंसर होने वाला है। 14 का डी, अंशुल ठाकुर ए, रजनीश कपूर, भावना शर्मा, अब ये क्या हो रहा है ग्रुप, पारुल, 14 का जो आंसर है इसमें भी सभी को कोई ए और डी में कंफ्यूजन है, ए और डी में क्यों इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, डी के तो अभी आपको लगेगा होगा पता कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो जो ये डी वाले हैं, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट को क्यों इनकरेक्ट बोल रहे हैं, जो फर्स्ट सुमेधा वर्मा, ब्राइटनेस थोड़ी, ब्राइटनेस फिर से ज्यादा है, आई थिंक अब तो ठीक होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो था, ठीक है। 15th क्वेश्चन, ठीक है, हु डिस्कवर स्लोल वाटर स्प्रिंग इन कांगड़ा वैली, किसने डिस्कवर किया था जो स्लोल वाटर स्प्रिंग है, किसने डिस्कवर किया था। देखो 15 क्वेश्चन अभी ज्योग्राफी के हो गए, तो आपको बताना भी है कि किसके सब किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आउट ऑफ 15 किसके कितने ठीक है। देखो 15 आउट ऑफ 15 किसी का भी नहीं है, अभिमन्यु ने इसको स्किप करा है, बी बी सभी का जो आंसर है वो बी, सुधांशु के 13, गौरव शर्मा के 11, अंशुल के 13, सिमरन कौर को क्या हो गया, जगदीश 13, अभिषेक चौहान, मैं ठीक है, सभी के 10 से ऊपर है ना, तो ठीक है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है कैप्टन ए कॉलमन, ठीक है, इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, स्लोल वाटर स्प्रिंग, जो कि आपका कांगड़ा वैली में है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है आपका, कांगड़ा में। साहिल शर्मा के 10 है, ठीक है, ठीक है, तो अच्छा है अभी तक का जो आप लोगों का रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। कांगड़ा ओरिजिनली वॉज पार्ट ऑफ त्रिगर्ता, सर ए कनिंगम वॉज द फर्स्ट वन टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ जलंधरा, या फिर उसको आप त्रिगर्ता बोल सकते हो। फरिश्ता रेफर कांगड़ा एज भीमनगर, द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता इज टू बी फाउंड इन द 5th century BC इन द राइटिंग ऑफ संस्कृत राइटर पाणिनी, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होने वाला है, मुझे जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर होगा 16th का। उत्पी नॉट फरिश्ता, आई थिंक फरिश्ता, साहिल चौधरी थर्ड में डाउट है, ठीक है, थर्ड ही गलत है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1st, 2nd and 4th, तो बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फरिश्ता ने क्या बोला है, भीमकोट, ठीक है, फरिश्ता ने बोला है भीमकोट, ठीक है। भीमनगर किसने बोला है, भीमनगर किसने बोला है, उत्पी ने, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी, कि पाणिनी ने क्या बोला है, या फिर
जो और लोगों ने क्या क्या नेम दिए, नगर कोट किसने बोला है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मेंशन है। तो त्रिगर्ता कांगड़ा से रिलेटेड जितनी भी, जो आप जब आप बलोकरा पढ़ते हो उसके जो कांगड़ा के स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस है जिसमें ये सब चीज़ें गिवन है, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कालिंद्रेन किसने बोला है, कालिंद्रेन भी कहा है किसी ने, ठीक है, अलब्रुनी ने नगर कोट बोला है ना, कालिंद्रेन भी किसी ने कहा है, कालिंद्रेन भी मुझे बताइए कि किसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बिलासपुर स्ट्रगल, जो बिलासपुर स्ट्रगल से रिलेटेड आपको बताना है, हाउ कम बी स्टेटमेंट करेक्ट। बी स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है बेटा, आप इसके लिए बलोकरा देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो लाइन है जो है वो बलोकरा से उठाई है, और ये कमीशन के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये उनके कमीशन ने भी इसको ठीक करा है, तो यही जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिलासपुर स्ट्रगल के बारे में आपको बताना है। इन 1905 द फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज पास्ड, इन 1930 भूमि बंदोबस्त अभियान वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, तो जल्दी से मुझे 17th का आंसर बताइए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, क्लास में भी बताया है, संगीता मिन्हास ने इसको स्किप करा है, बहुत लोग इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, बोथ करेक्ट, 17 का ए और डी, ठीक है, तो जो इसका आंसर है, ठीक है, वो क्या है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं जो स्ट्रगल्स है, जो हमारे प्रजामंडल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी जो बिलासपुर स्ट्रगल हो गया या फिर सुकेत सत्याग्रह, जो इस तरह की चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है ये पढ़ने को। ठीक है, इसके इसको बट आप ज़रूर पढ़ के जाना, जो ये प्रजामंडल वाला जो चैप्टर है हमारा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है। इन 1927 अ कॉन्फ्रेंस टू प्लेस एट ताल इन सुजानपुर टीरा, कि 1927 में, ठीक है, ताल जो ताल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि आपका सुजानपुर टीरा में है। सेकंड है, इस कॉन्फ्रेंस में किसने अटेंड किया था इसको, ठाकुर हजारा सिंह एंड बाबा कांशीराम ने। ठीक है, और इसी कॉन्फ्रेंस में जो ये ताल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी कॉन्फ्रेंस में क्या मिला था बाबा कांशीराम को, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहाड़ी गांधी का टाइटल। क्या ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों करेक्ट है या फिर कोई एक करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को लिया है, तो जल्दी से मुझे बताओ किसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। पहाड़ी गांधी वॉज, देखो, जगदीश राणा, वेरी गुड। ठीक है, ज्योति चंदेल, ठीक है, जो आपने, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है उन लोग वो इसको बहुत अच्छे से कैच कर लेंगे। साहिल चौधरी फिर से, ठीक है, साहिल चौधरी हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ी गांधी का जो टाइटल मिला था वो गदरिया वाला कॉन्फ्रेंस में मिला था। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट और जो सेकंड है ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ स्लेट क्वेरीज एट धर्मकोट एंड भागसू। ड्यूरिंग प्रिंसली डेज इन कांगड़ा रीजन ऑफिशियल बिजनेस ऑफ द स्टेट यूज टू बी कंडक्टेड इन टांकरी स्क्रिप्ट। देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर आई होप कि आप लोगों ने इसके बारे में, आपको पता होगा, ठीक है, कि जो देखो अभिमन्यु ने इसको स्किप करा है। ठीक है, और देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसके बारे में, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने हमारे सेशन अटेंड करे उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को उसको, इसमें तुक्का नहीं मारना है, इसको स्किप करना है। ठीक है, तो इसीलिए, बट ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख लेना। टांकरी चंबा में भी थी। ठीक है, टांकरी, लेकिन ये यहाँ पर भी थी। ठीक है, जो कांगड़ा वाला जो रीजन था, टांकरी, साहिल चौधरी, चंबा वाला भी बिल्कुल ठीक है, जो आप बता रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है।
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवां स्टेट वॉज फाउंडेड बाय पूरव चंद विद इट्स कैपिटल एट राजपुरा इन 1170 AD. जसवां वॉज द फर्स्ट ऑफशूट ऑफ द गुले स्टेट. ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है. शीतल शर्मा, अभिषेक चौहान को डर लग रहा है. डर किस चीज का? जसवां वॉज फर्स्ट ऑफ शूट ऑफ कांगड़ा. तो 20th का सी मतलब कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि जसवां तो आपका सबसे पहला जो ऑफ शूट है वो किसका है? कांगड़ा का है. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो जो भी ये जो आंसर है इसका क्या होने वाला है? सी फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है. सेकंड में आपका जो जसवां है वो आपका फर्स्ट ऑफशूट था कांगड़ा का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. आपको बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कि करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. किकली, किकली भी बताना है आपको कि किकली क्या है. ठीक है, जैंगियम क्या है, सिप्पी क्या है, जाड़ क्या है. सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि आपसे क्या पूछा है. आपसे पूछा है करेक्ट क्या है. ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट है, 21 का जो करेक्ट है वो है सी. ठीक है, ठीक है, जो सिप्पी है वो फेयर है. कहाँ लगता है सिप्पी फेयर? सिप्पी फेयर कहाँ लगता है? किकली क्या है? किकली आपका डांस है. कहाँ का डांस है? जेंगियम आपकी लैंग्वेज है. ठीक है, और जो जाड़ है वो आपकी एक तरह से ठीक है, किकली डांस जो होता है आपका, जाड़ आपकी ट्राइब है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सी है करेक्ट आंसर. यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये गलत ही है वैसे तो. जाड़ तो ट्राइब है. ठीक है, तो इसलिए ये सारे गलत है. जो सिप्पी है वो फेयर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इसमें है कि ऑन 28th of October 2016 हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF का स्टेटस जब कब डिक्लेयर हो गया था? 28 अक्टूबर 2016 को. गुड इवनिंग विशाल गुलेरिया. हम 22 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, और जो सेकंड है, हिमाचल वॉज द फर्स्ट टू अचीव ODF स्टेटस. तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 22nd का? हिमाचल प्रदेश फर्स्ट नहीं था. ठीक है, जाड़ कहाँ की ट्राइब है? दीपिका, जाड़ कहाँ की ट्राइब है? जाड़ एक बुद्धिस्ट ट्राइब है जो कि आपकी मैं कि ये मिक्सचर है एक तरह सा तरह से. ठीक है, जो कि आपको पांगी में भी मिलेगी, लाहौल में भी देखने को मिलेगी. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है. सेकंड ठीक नहीं है क्योंकि हिमाचल सेकंड था, जो आपका फर्स्ट था वो आपका हिमाचल था. ठीक है, फर्स्ट सिक्किम था. वेरी गुड साहिल. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये है आपका द फर्स्ट बैंक ऑफ बिलासपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1947. बिलासपुर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बिलासपुर इन 1956. द नवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बिलासपुर इन 1963. तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है. ये क्वेश्चन जो है, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का जो इकोनमी वाला पोर्शन होता है एंड वाला, वहाँ से ये लिया गया है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है, बहुत लोग इसको स्किप कर रहे हैं. देखो, जो ये बैंक वाले क्वेश्चन है ना, कि कौन सा सिरमौर बैंक हो गया, बिलासपुर बैंक हो गया, या फिर इस तरह के जो भी है, ये प्रीवियस ईयर में देखो बहुत पूछे हुए हैं. तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा होता है उसको हमने नहीं छोड़ना, उसको हमने करके जाना ही जाना है. ठीक है, तो इसीलिए ये आपको जो है पढ़ के जाना है. ठीक है, अब गौरव शर्मा मुझे बताएंगे कि हु ओपन्ड. ठीक है, तो आपको बताना है कि 19 ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो उसका गलत है. ठीक है, क्योंकि 1947 में तो वो नहीं खुला था. ठीक है, 1944 में खुला था. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. तो 1944 में कौन थे हमारे बिलासपुर के राजा? ठीक है, तो आपको इस तरह से कनेक्ट करना है. और मुझे पता है कि आपको पता होगा गौरव शर्मा, कि 1944 में बिलासपुर के कौन राजा थे.
ठीक है, तो ये देखो कि जो 1944 में आपका बैंक ऑफ बिलासपुर खुला था और मर्जर आपका 1956 में ही हुआ था, ठीक है, और जो नवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स है ये आपका 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि 24 का क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होगा? 24 का जो आई एम कुछ भी सरोल चंबा जरूरी, ठीक है, ताल है आपका शीप ब्रीडिंग फार्म जो कि हमीरपुर में है। इसके साथ ही आपको और जो याद रखने हैं जो कि भावना ने बता दिए हैं, चंबा में है आपका सरोल, शिमला में है आपका ज्यूरी, किन्नौर में है कड़छम, ठीक है, जो कि आपको और भी ध्यान में रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ताल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तीन स्टेटमेंट गिवन है नलवाड़ी फेयर से, ठीक है। नलवाड़ी फेयर कहाँ लगता है? बिलासपुर में लगता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेयर है हिमाचल, अगर हम बिलासपुर की बात करते हैं तो, ठीक है। तो नलवाड़ी फेयर वॉज स्टार्टेड टू फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ कैटल इन द हिल्स, सेकेंड स्टेटमेंट है। जो आइडिया था नलवाड़ी फेयर का वो आपका किसके द्वारा कंसीव किया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन इन 1889। छिंच इज द मेन इवेंट एंजॉयड बाय पीपल इन नलवाड़ी फेयर। छिंच किस किस को पता है कि छिंच क्या होता है? मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा ना छिंच के बारे में क्या, जो तो चलो बिलासपुर के है या फिर उस सराउंडिंग एरिया के है उनको तो पता होगा, ठीक है। गौरव शर्मा वेरी गुड, कुश्ती है ना, ठीक है। तो जब हम हिमाचल पढ़ते देखो हमें सबके बारे में पता चल जाता है ना, इवन कि हम गए भी नहीं होते उस जगह पे, लेकिन फिर भी बलोकनाथ से हमें इतना ज्ञान मिल जाता है कि सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। जी हाँ, ठीक है। तो छिंच रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है, ठीक है, मंडी में भी होता है, ये बहुत जगह होता है, ठीक है, सिर्फ नाम छिंच मंडी में भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये आपको बताना है अडुम्बरास के बारे में, ठीक है, अडुम्बरास के बारे में बताना है आपको। दे हैड रिपब्लिकन सिस्टम विद एन इलेक्टेड किंग, देयर कॉइन इंस्क्राइब्ड इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी, देयर कॉइन हैव बीन मोस्टली फाउंड इन द पठानकोट ज्वालामुखी एंड होशियारपुर, शीप रियरिंग वॉज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। अडुम्बरा से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि जो ये स्टेटमेंट्स है क्या ये ठीक है। ट्वेंटी सिक्स का जो आंसर है अमित सारी की जो ये सारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। तो सभी ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सारी की सारी ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, ये अडुम्बरा से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज सनद ग्रांटेड टू द राजा ऑफ बिलासपुर बाय द ब्रिटिशर गवर्नमेंट कंफर्मिंग हिज पोजेशन ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, थोड़ा सा 27 सचिन रजनीश भूमेश अमित, देखो इस क्वेश्चन को ना मैं दूसरी बार करवा रही हूँ आप लोगों से, फिर भी देखो बहुत लोग इसको स्किप कर रहे हैं और बहुत लोगों के ये जो आंसर्स है वो बहुत वेरी कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि जब मैंने पहले भी ये सेशन में लिया है तो वहाँ पर भी बहुत लोगों ने इसको गलत किया था और अभी भी बहुत सारे लोग, अभी भी मुझे करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल नहीं मिला है। ट्रिकी ट्रिकी ने बिल्कुल सही आंसर इसका दिया है, सिर्फ जो ट्रिकी है आई थिंक जो नेम है, तो जो ए है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि इसका किसी ने भी सही से आंसर नहीं दिया है। भारत भूषण विनय अब जाके प्रियंका सुधांशु अब जाके इन लोगों ने एक, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियसली भी पूछा हुआ है, तो मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज इसको ध्यान में रखो। अमित कटोच ने भी सही दिया था, ओके वेरी गुड अमित। क्वेश्चन नंबर 28, नूरपुर फोर्ट से रिलेटेड आपको चीजें बतानी है, ठीक है? तो कि जो नूरपुर फोर्ट है उसको फाउंड किया गया था राजा बासु मेंशन इन आईने अकबरी। देखो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी को ठीक देना है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो नूरपुर फोर्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम हर कांगड़ा में पढ़ते हैं, या फिर जब नूरपुर से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल की, वहाँ पे भी इसका जिक्र होता है, ठीक है? तो इसके बारे में सभी को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी आते हैं विनोद ठाकुर, आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर HAS का, NT का, या फिर कहीं और कुछ एग्जाम होते हैं उसका देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है? प्रीवियस ईयर का पूछा जाता है, ठीक है? इसीलिए तो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर को पढ़ो अच्छे से, ठीक है? तो इसका मुझे आंसर जल्दी से बताओ 28 का। आप लोगों की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो गई है, तो मुझे वो दिख नहीं रहा है कि इसमें क्यों टाइम लग रहा है आप लोगों को। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या आईने अकबरी में हो सकता है? देखो पहले ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, कि आईने अकबरी, ठीक है, जो नूरपुर है, नूर जहां से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो तो जहांगीर से रिलेटेड होना चाहिए था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जो फर्स्ट अगर गलत हो गया तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, और जो बाकी जो इसकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन डिफिकल्ट है, बट हाँ मैंने पहले भी कराया था मानसी, ठीक है। ये जो 29 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, भद्रकाली टेम्पल से रिलेटेड है, आपको बताना है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट कि जो भद्रकाली टेम्पल इज अप्रॉक्स 400 ईयर ओल्ड, डैमेज ड्यूरिंग 1905 अर्थक्वेक, ठीक है, कि जब 1905 का जो अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे ये डैमेज हो गया था। दिस टेम्पल इज रिस्टोर्ड बाय इनटेक एंड हैज डोम्ड स्टाइल रूफ आर्किटेक्चर। द वर्क फॉर रिस्टोरेशन स्टार्टेड इन 2006 एंड कंप्लीटेड इन 2012। देखो ये जो टेम्पल है ना, ये न्यूज में भी बहुत रहता है, ठीक है। डी मतलब ऑल ऑफ द अब, ये डी वाले ना माइनस टू कर दो सारे के सारे, जो भी डी देख डी कर रहे हैं। संजीव ठाकुर, नॉट डोम स्टाइल, ठीक है। देखो ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो फैक्ट्स है, डेफिनेटली जो फैक्ट है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, बट मैंने जो क्वेश्चन डाला है इवन की जो एग्जाम में भी जब हम देखते हैं ना, तो इस छोटी छोटी सी गलतियां होती है। अभी डोम स्टाइल नहीं है, कौन कौन से डोम स्टाइल टेम्पल्स है हमारे, गिने चुने तो डोम स्टाइल टेम्पल है ना, शिखर स्टाइल है, ठीक है, तो जो डोम स्टाइल है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इवन कि जो इसका फर्स्ट वाला जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल ठीक है, बट सेकंड गलत है, तो इसलिए जो आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड है। बट जो क्वेश्चन लाने का मेरा मोटिव है वो ये भी है कि जो आपकी ये स्टेटमेंट है ये आपको याद रहे, अगर कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको वो याद रहे। बी इज राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, यस अभिमन्यु बी राइट है। अभिषेक चौहान, ओहो ज्वाला जी, ज्वाला जी ज्वालामुखी टेम्पल डोम स्टाइल है, हाँ रिस्टोर्ड किसने किया था मैम, इनटेक। देखो रिस्टोर किसने किया था ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि किसने रिस्टोर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मसरूर टेम्पल वॉज डिस्कवर्ड एंड ब्रॉट इन टू नोटिस बाय डैश इन 1913। भावना शर्मा ने 30th का, और इवन की बहुत से लोगों ने, साहिल ने, कविता ने, NT, लता जी, अरुण कुमार, पारुल, मानसी, अभिमन्यु भी ने, भारत भूषण, सभी को इसका पता है ना। तो जो सेकंड है मिस्टर HL शटलवर्थ ने इसको डिस्कवर किया था और इसको नोटिस बनाया था 1913 जो ईयर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट सेलिब्रेट द दशहरा फेस्टिवल बाय बर्निंग एफिजीज ऑफ रामना, मेघनाथ एंड कुंभकर्णा, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, और इससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो किस किस को पता है कि क्या स्टोरी है? 31 का बी 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 सभी जो इसका आंसर है, की ग्राम भी बोलते हैं इसको बैठना, तो ओके, तो बी जो है, देखो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना उसको आप बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर दे देते हो, लेकिन इसमें कुछ आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है ना, तो आपको अगर आपको नहीं आते तो निराश नहीं होना है। वो कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कि अभिषेक चौहान दो बिजनेसमैन, हाँ बिजनेसमैन की स्टोरी है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको बताना है पोंग डैम वॉज बिल्ट अक्रॉस द ब्यास रिवर ऑल्सो कॉल्ड ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 2, कि जो पोंग डैम है आपका, ठीक है, कांगड़ा में, ठीक है, वो आपका क्या है, ब्यास रिवर पे है, ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है, ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 2। सेकेंड है द डैम इज अंडर SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, तो इसका क्या आंसर है, जल्दी से मुझे बताओ किसका क्या आंसर होगा। मानसी नेक सिंह, बड़े दिनों के बाद नेक सिंह ने दर्शन दिए। राहुल कुमार भारत भूषण अंडर बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। साहे चौधरी गलत, बिल्कुल आपको -2 करना होगा क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा गलत आंसर दिया है ये, ठीक है, ये BBMB के अंडर है, नॉट SJVN के अंदर नहीं है, BBMB के अंदर है, ठीक है, बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर है। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, करेरी लेक फीड्स ल्यून रिवर। सेकंड स्टेटमेंट है 256 विलेजेस वर ऑफ द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सबमर्ज्ड इन द गोविंद सागर, ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, महाराणा प्रताप भी बोला जाता है अभिषेक, यस ये भी ठीक है, जो महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है पोंग डैम को, ठीक है। और अभी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, जो हमारी नई राहें नई मंजिलें स्कीम है, उसके अंदर भी बहुत सारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसके अंदर लाई जाएगी, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में रहा है। मने महिंदर किरण करेरी, इसका जो आंसर है, देखो सभी जो इसका आंसर है वो ए दे रहे, तो ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बिलासपुर में कौन कौन सी लेक्स हैं, ठीक है, उसके बाद हम 34 क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन विक, आग लगी हुई लगी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बिलासपुर में गोविंद सागर है, ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा, कांगड़ा की लेक्स कौन कौन सी है, ये तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, कांगड़ा की कौन कौन सी है, कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपकी लेक्स कौन कौन सी है, ठीक है, कांगड़ा और बिलासपुर में तो चलो गोविंद सागर है जो कि आर्टिफिशियल लेक है। गौरव शर्मा, डल लेक है, करेरी है, ठीक है, मतलब कि आपने पढ़ा हुआ है, गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, गुलेर आर्टिस्ट पंडित सेव विद हिज सन -& आर एट्रीब्यूटेड विद चेंजिंग द कोर्स ऑफ पेंटिंग अराउंड 1730 टू अ न्यू स्टाइल यूजुअली रेफर टू एज द प्री कांगड़ा और गुलेर कांगड़ा कलर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसमें आपको उनके बच्चों के नाम बताने हैं बेसिकली, तो जो आंसर है वो मुझे सभी ने बिल्कुल ठीक दिया है। भावना शर्मा की टाइपिंग स्पीड इतनी है, और जो ये और कौन है, विशाल गुलेरिया है ना, जो कि टाइप करके लिख भी देते हैं कि मनाक एंड नैन सुख, मनकु एंड नैन सुख, है ना, तो एक इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पेंटर्स पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। विशाल राजपूत, चलो देखो जिसने भी पढ़ाया हो आपको याद होना चाहिए, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। वॉइस रिकॉर्डिंग, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये कोई अभी बात कर रहा था ना रामसर साइट से रिलेटेड, है ना, तो जल्दी से मुझे बताओ कि एट प्रेजेंट हिमाचल हैज 3 रामसर साइट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेमली पोंग डैम जो कि कांगड़ा में है, रेणुका जो सिरमौर में है, चंद्रता जो कि लाहौल स्पीति में है. हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज एक्टिंग एज अ नोडल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इन द स्टेट. इसका क्या आंसर होने वाला है 35 का? 35 का आंसर 35 रेणुका स्मॉलेस्ट वेटलैंड. भावना शर्मा, ओके, रेणुका स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो हिमाचल की बात कर रहे हो अभिषेक, में सिर्फ हिमाचल की ही बात कर रहे हैं हम, है ना, हिमाचल में 3 है. ठीक है, तो जो ये दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है, और जो ये किसके अंदर आता है हिमकोस्ट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये तीनों तो आपको पता होगी होगी, ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36. ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है? ठीक है, चोलांग, फवरंग, पटालसू, बड़ा खांबा. सी का जो आंसर है वो सबसे पहले दिक्षु धीमान. इंडिया में 75 है. ओके, इंडिया को छोड़ो, अभी मुझे 36 का अमित कटोच बावा. बावा का कोई नाम नहीं है क्या? भावना बावा, अंशु ठाकुर, पारुल खरियाल, गगन शर्मा, विशाल. जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है. 36 का आंसर, 36 का कुल्लू से हो जाएगा. अच्छा, ठीक है, तो जो आंसर है वो ए है. ठीक है, बड़ा कांडा आपका चंबा में है, चोलांग आपका कांगड़ा में है. देखो चोलांग याद रखना क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जो चोलांग पीक है कि ये हमें कि लगता है कि ये लाहौल स्पीति में होगी या किन्नौर में होगी, बट ये आपकी कहाँ है? कांगड़ा में है. ठीक है, कभी ये सिंगल भी पूछा जा सकता है. तो चोलांग भले ही इसका नाम वैसा है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर टाइप जैसा, बट नहीं, ये हमारा जो पीक है ये कहाँ है आपकी? कांगड़ा में है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ सौरो, सौरो ऑफ ऊना. अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता ना, देखो 100 श्लोक से ज्यादा लाइव है लेकिन मुझे 100 आंसर तो नहीं मिले. मतलब कि ये क्वेश्चन भी किसी को नहीं आता है क्या? है ना, ये तो सभी को आना चाहिए, है ना. स्वान, जो स्वान रिवर है वो ऊना का सौरो बोला जाता है जिसको, है ना. बसपा कहाँ है? बसपा रिवर के बारे में पता है कि बसपा कहाँ पे बहती है? बसपा या फिर आंध्रा गिरी, इन सभी के बारे में भी पता है आप लोगों को? देखो बसपा, बसपा कहाँ है? किन्नौर में. ओके, और आंध्रा, आंध्रा कहाँ है? शिमला, है ना. ठीक है, छितकुल, चलो ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 38. हु डीमार्केटेड द फॉरेस्ट एरिया ऑफ नूरपुर एंड देहरा गोपीपुर तहसील ड्यूरिंग ब्रिटिश डेज इन 1870-72? ओके, चलो इसका भी आंसर बताइए मुझे कि इसका क्या आंसर होने वाला है. थर्टी एट का आंसर क्या होने वाला है? पारुल ने, अमित ने, विशाल ने, अंशुल, सचिन, विनोद, एच एस एस्पिरेंट, ए एस, बबलू भाई. ये बबलू भाई कौन है? ठीक है, तो जो 38 का आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ए.
देहरा गोपीपुर अपना बाजार है मैम, है ना। गुलेरिया, देखो आधे चीजें तो हमें वैसे समझ आ जाती है, गुलेरिया जो होंगे वो कांगड़ा से ही बिलोंग करेंगे, है ना। बबलू, ये बबलू क्या चल रहा है ग्रुप में, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, है ना। या तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, आपको बताना है बाबा बालकनाथ टेम्पल। ठीक है, बाबा बालकनाथ इज अ हिंदू डीटी एंड हिज श्राइन इज आल्सो नोन एज देवोत्सित। ठीक है, द टेम्पल इज सिचुएटेड इन चखमो इन हमीरपुर। द डिवोटी ऑफर स्वीट इंडियन फ्लोर ब्रेड पॉपुलरली कॉल्ड रोट टू द डीटी। बाबा बालकनाथ इज बिलीव टू बी अ री इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होगा। बाबा बालकनाथ जी से रिलेटेड है। ठीक है, अभिमन्यु ने इसको स्किप करा है। अभिमन्यु को कहाँ पे इसमें डाउट है, अभिमन्यु ने ही इसको स्किप करा है। और बाकी विशाल राजपूत आंसर डी, अभिषेक अच्छा। ठीक है, बर्ड सर, देखो जो ये स्टेटमेंट है ये सारी की सारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो ये आपको पता है जो बाहर के स्टेट के लोग भी होते हैं वो भी एग्जाम्स देते हैं, है ना। तो अब जो तो हिमाचली होंगे और खासकर हमीरपुर वाले लोगों को, तो सभी को पता होगा, है ना। बट जो थोड़े आसपास वाले एरिया के होते हैं उनको भी पता होता है। अब किन्नौर के हो गए, लाहौल स्पीति के हो गए, चंबा के होंगे, उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होगा, है ना। तो ये सारे की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो जो आंसर था उसका डी था। क्वेश्चन नंबर 40, आपको तीन स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इनमें से कि कौन सी करेक्ट है। निकोलस रोरिक पोर्ट्रेट 700 कैनवासेस ऑन द हिमालय। अंद्रेटा आर्ट गैलरी इज डेडिकेटेड टू द वर्क ऑफ शोभा सिंह। नोरा रिचर्ड सेटल्ड परमानेंटली एट अंद्रेटा। मैंने आपको बार बार बोला कि जो पेंटर्स है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका देवी बड़े टाइम बाद मुझे दिखी है सेशन में। सचिन ठाकुर, भावना, गौरव, अरुण कुमार वर्मा। 14th का डी मतलब ऑल ऑफ दी, बिल्कुल जो डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो डी आंसर दे रहे हैं सभी आंसर डी कर रहे हैं। अभिमन्यु का आई थिंक, देखो आई थिंक में अगर आपने OMR शीट पे अभिमन्यु लगा दिया ना गोला, तो वो माइनस में चला जाएगा आपका, जो ठीक होगा वो भी गलत हो जाएगा, है ना। आरती गर्ग 7000 है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए जो आंसर है वो 2 and 3 है। ठीक है, तो निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है, कहाँ पर है निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी। ठीक है, जो शोभा सिंह की है वो तो अंद्रेटा में है, निकोलस रोरिक की कहाँ पर है, आई ये आपको पता ही होगा वैसे तो, नगर में। अंशुल ठाकुर वेरी गुड, नगर कुल्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट्स है ये भी आपकी जो गिवन है अच्छे से इनको पढ़ो एक बार, ठीक है, उसके बाद आराम से आंसर देना। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, और जिसका ये क्वेश्चन गलत होगा उसका फिर देखो ना कि कुछ तो गड़बड़ है फिर। 41 का आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अभिषेक धीमान 41 का डी, विनय ने 41 का डी, काजल डी। ओके, मैं चाहती हूँ कि क्या ये सभी जो लिख रहे हैं क्या सभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर सभी को पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, 41 का जो लता जी ने 41 का ए आंसर क्या है, लता जी ने, सचिन ठाकुर ने 41 का सी आंसर क्या है। देखो इसमें जो आंसर है इसका वो क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। जो इसमें आंसर गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत कर रहे हैं, बिलासपुर स्टेट पूछा है, स्टेट को तो राजा दीपचंद ने नहीं करा है, बीरचंद ने किया है। बिलासपुर जो शहर है उसको बनाया है, ठीक है, नैना देवी भी बीरचंद ने किया है, ये भी बीरचंद के द्वारा किया गया है। बीरचंद अगर यहाँ पे होता तो बिल्कुल ठीक था, जो बीरचंद दिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, जिनका गलत है उन लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द
राजा ऑफ बिलासपुर हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वायसराय ऑफ सर हिंद वॉज राजा मेघचंद, राजा ज्ञानचंद, राजा संपूर्णचंद, राजा रतनचंद। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से मुझे बताओ क्या है 42 का आंसर। राजा ज्ञानचंद। अच्छा, राजा अगर ज्ञानचंद जिनको पता है उनके किस बेटे ने इस्लाम को नहीं अपनाया था? उनका जो बेटा था उन्होंने इस्लाम को नहीं, क्या नाम था उनका, बीकचंद। यस, जो बीकचंद था उसने हिंदू धर्म अपनाया था, और जो बाकी दो और बेटे थे, साहिल चौधरी फिर सोच में डूब गए, है ना, ऐसे कैसे चलेगा साहिल, है ना, जो दो और बेटे थे उन्होंने इस्लाम ही अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हु वॉज द रूलर ऑफ कहलू स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। ठीक है, 1857 के टाइम पे, 1857 के टाइम पे बिलासपुर का राजा कौन था? देखो बिलास, आई फॉलोड HPG के, स्क्रॉल हो गया जिसने कुछ लिखा था मेरे बारे में थोड़ा अच्छा सा। हीरा चंद, हीरा लाला ठाकुर, साहिल चौधरी, ये कौन सा लाला है, हाँ, हीरा चंद, हीरा चंद, हीरा चंद, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ से मैम प्रो सेशन लगता है क्या, विशाल रोज ही लगता है बेटा, है ना। तो हीरा चंद को बोला जाता है, गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है, और जो खड़क है उनको बोला जाता है कौन सा, डार्केस्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 44। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ बिलासपुर राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा बिल्ट छातीपुर फोर्ट ऑन धार झंझियार ऑफ बिलासपुर। जल्दी से मुझे इसका भी आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है। फोर्टी फोर का जो आंसर है वो है आपका महान चंद। ठीक है, तो मतलब बिलासपुर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो महान चंद जो है वो बिल्कुल इसका ठीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। आनंद चंद से रिलेटेड आपको चीजें बतानी है। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर पारसी स्टेट ऑन 12 अक्टूबर 1948। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये जो मेंबर थे आपके लोकसभा के, राज्यसभा के, जो मेंबर ऑफ हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, ठीक है, और इनकी जो बुक है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इनकी जो डेथ है वो लंदन में जाके हुई है। तो 45 का जो आंसर है वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है कि 45 का जो आंसर है वो डी है। तो जो डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में क्योंकि किसी का भी गलत नहीं है तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जितने भी राजास हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 और 4 राजास इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ के जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सॉन्ग ऑफ बिलासपुर। नॉट पूछा है, जो बिलासपुर का सॉन्ग नहीं है। मोहना नहीं है सॉन्ग, गगन शर्मा, मानसी चौधरी, मोहना, मोहना तो बट यहाँ पे मैंने पूछा है नॉट, मोहना तो है, इतनी जल्दी भी नहीं करनी है। ठीक है, इतनी जल्दी भी नहीं करनी है, थोड़ा सा। ठीक है, जो आपका गंगी, मोहना, घंबरी, ये सारे के सारे बिलासपुर में हैं, सिर्फ एंकलिया बोलते हैं, शायद से एंकलिया ही बोलते होंगे। जो एंकलिया है ये आपकी कहाँ पे होती है, चंबा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गुग्गा पीर फेयर इज सेलिब्रेटेड एट। गुग्गा पीर फेयर, गुग्गा पीर फेयर कहाँ पे होता है, गहडवीन में, हटवार में, नगरों में, या फिर मारकंडा में? 47 का आंसर क्या होगा, 47 का जल्दी से आंसर बताइए। 47 का जो आंसर है वो सभी जो आंसर है, दीपिका, दीपिका मुझे एंकल क्या बोलते हैं, नेक्सिंग एंकली, ओके।
ठीक है, तो जो गहडवीन में आपका गुग्गा फिर लगता है, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज बिलासपुर से देखने को मिल रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, फिर से बिलासपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिवली फिश फार्म इज द लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म इन एशिया, विच केम इन टू दी एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1962। द फर्स्ट बैंक सेटअप इन बिलासपुर वॉज द बैंक ऑफ बिलासपुर इन 1944। देवली, तो देखो मैं भी गई हूँ, ठीक है। जो देवली वाला ये फिश फार्म है, ये मैंने खुद जाके देखा हुआ है। तो फिर इसका क्या आंसर है? क्या ये दोनों ही करेक्ट है? ये तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है, फर्स्ट देओली वाला, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये आंसर आपको बिल्कुल ठीक करना है। प्रेजेंट हमीरपुर वॉज अ पार्ट ऑफ द ओल्ड जलंधर त्रिगर्ता एम्पायर, नदौन हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये आप बिल्कुल सही से आंसर करोगे। देखो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत जो नदौन पार्ट ऑफ कांगड़ा, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए, फो इसका क्या आंसर होने वाला है? तो सब मैक्सिमम लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका डी भी आंसर किया है। देखो जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक है, सेकंड यहाँ पे लिखा है कि ऑलवेज, हमेशा से तो नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड नहीं ठीक है। अब आपको ये हमीरपुर वाले लोगों के लिए ना स्पेशली, कि हमीरपुर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हमीरपुर वाले जो देख रहे हैं सेशन, वो अपनी अटेंडेंस दो कि कौन कौन हमीरपुर से है। 50th का क्या आंसर होने वाला है? 50th क्वेश्चन, सी इज राइट, एक्स वाई जेड। 50 का डी, प्रियंका बी। देखो इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन, सारे आंसर मिल चुके हैं मुझे, सी डी ए बी। भावना ने 50th का ए, मानसी ने बी, नॉट एट चौकान, अभिषेक धीमान ने डी। ठीक है, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन में कोई हमीरपुर से नहीं है क्या जो इसका सही आंसर देगा? चौगान ऑफ सुजानपुर। अब ये मुझे कौन क्लियर करेगा कि जो सुजानपुर है, क्या वहां पे कोई चौगान है? विनय ने बिल्कुल ठीक बोला है कि चौगान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ चंबा में ही है ना, चौगान ही बोलते हैं। वेरी गुड, अभी है ना, तो इसीलिए ठीक है। तो चौगान जो ये स्टेटमेंट है ना, जो जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली है, कि जिनको ये लगता है कि चौगान तो चंबा में ही है, ठीक है। एनटी का एग्जाम कब होगा? 30th को है ना, तो इसीलिए सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सैनिक स्कूल भी है वहां पे, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ टीरा सुजानपुर वॉज फाउंडेड बाय। अब देखो हम हमीरपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो हमीरपुर का जो टीरा सुजानपुर है, द टेरिटरी ऑफ टीरा सुजानपुर वॉज फाउंडेड बाय संसारचंद, अभेचंद, पृथ्वी या फिर भूमाचंद, किसके द्वारा? जल्दी से बताइए मुझे किसके द्वारा जो टीरा सुजानपुर है उसको फाउंड किया गया था। जो आंसर है वो सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिया है, जो आंसर है वो है आपका अभेचंद, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, अभय। टीरा वॉज गिवन बाय घमनचंद। वेरी गुड भावना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन को भी आप जो है इसका आंसर, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये नहीं है कि इनको छोड़ देना है, ठीक है। एक नज़र ज़रूर डालनी है, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ो, हो सकता है कि आप जो ये इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाओ, ठीक है। क्योंकि कोई जो बच्चे होंगे जब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे कि इतना बड़ा है ये है। जैसे साहिल चौधरी, स्किप कर दिया। साहिल चौधरी आपको ही इसका आंसर देना पड़ेगा, जल्दी से इसका आंसर दो। साहिल चौधरी का आंसर का वेट करूंगी मैं।
ए और बी, ए बी। देखो राहुल कुमार, राहुल कुमार, अरुण कुमार, डॉक्टर परवेश शर्मा, मधु ठाकुर, सुभांशु, सुभांशु। तो जो आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, 1 और 2। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्यों गलत है, ये आप सभी को पता है, जो अमित ठाकुर ने बता भी दिया कि हिमनपुर फर्स्ट है लिटरेसी में और यहाँ पे 7th लिखा है। ये तो आप लोगों को आई होप कि स्कूल से पता होगा कि जो हमीरपुर है उसका रैंक फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते तो जो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका वैसे ही यहाँ से एलिमिनेट हो जाता और जो आंसर है वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड रह जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। जो प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर हैज 5 तहसील, जिसमें हमीरपुर है, बड़सर है, भोरंज है, नदौन है और टीरा सुजानपुर है। अब हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद एन एरिया 0.21% ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल। तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, कि जो हमीरपुर है इसमें भी देखो, यानी कि आप लोगों ने हमीरपुर को अच्छे से नहीं पढ़ा है ना। बिलासपुर के जो आंसर्स है वो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दिए थे, हमीरपुर में ए और बी, बहुत लोग ए बी ए बी। सुभांशु वर्मा, देखो बिलासपुर और हमीरपुर में ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखो हमीरपुर सबसे स्मॉलेस्ट है तो 0.2.01, बिलासपुर का है 2.10%, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, 1 और 2 आर करेक्ट। ये ऊना वाले भी है कोई जो ऊना को सबसे स्मॉलेस्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ शूट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा। अब जल्दी जल्दी से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि 75 क्वेश्चन करने हैं। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, थरोच, ठीक है। गुलेर भी है, कुटलहर भी है, सिब्बा भी है, तो थरोच इसका आंसर नहीं है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये जो सारे हैं ये कांगड़ा से ही निकले हैं, ठीक है, बट थरोच तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है आपका, कांगड़ा से रिलेटेड है, कांगड़ा की इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। द टी फार्म वॉज एस्टेब्लिश इन पालनपुर इन 1939, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश एट धर्मशाला इन 1978, अ गवर्नमेंट बी फार्म वॉज एस्टेब्लिश एट नगरोटा इन 1936, मिल्क स्प्लैश स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन कांगड़ा इन 1973। आई नो बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं बट ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है अगर आप उसको पढ़ते हो तो वहाँ से आपको हार्डली 10 से 15 जो फैक्ट्स होते हैं वो देखने हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो पालमपुर में है शायद, नहीं राहुल कुमार पालमपुर में ही है, धर्मशाला में नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ है, पालमपुर में है, तो धर्मशाला में नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जल्दी से मुझे इसका भी आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से, कि 56 का क्या आंसर होने वाला है। डॉक्टर अनु, यस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी पालनपुर में है। 56 का बी, बी बी। अभिषेक धीमान ने इसका आंसर डी दिया है, बहुत सारे भी लोगों ने इसको स्किप भी किया है, अमित, सौरभ, राहुल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो देखो इस, ये भी देखो जो क्वेश्चन है वो ब्लोकरा से ही बने हुए हैं, धमूशा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके है, ये सारे के सारे फेयर आपके कहाँ पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, ठीक है। एक बार बलोकरा को खोल के देखना, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, सारे के सारे फेयर आपके रिलेटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग। अभिमन्यु करथेक, करथेक जो आंसर है वो डी था, आंसर डी था पिछले वाले का, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल ओपेरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय टिप्पा, जिसको बोलते हैं टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो 57 का क्या आंसर होगा? शॉर्ट टू. ठीक है, 57 का ए, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. अब आपको बताना है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी प्लीज अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको वो इस क्वेश्चन को पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. द कुठेर ग्राम पंचायत वॉज सिलेक्टेड एवं 20 ग्राम पंचायत फॉर द नेशनल लेवल राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड 2017. ऑन 16th April 2018 कुठेर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट पंचायत टू नॉट हैव इवन अ सिंगल बीपीएल फैमिली. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? राजपुर. अमित ठाकुर, वेरी गुड. जो राजपुरा पंचायत है, ठीक है, जो यहाँ पे कुठेर ऑफ कांगड़ा है, ये कुठेर नहीं है, यहाँ पे आपकी राजपुर जो पंचायत है वहां पर वो ऐसी फर्स्ट पंचायत है टू नॉट हैव अ सिंगल बीपीएल फैमिली. ठीक है, तो ये पहला बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, दूसरा गलत स्टेटमेंट है. यहाँ पर आपका कुठेर आएगा. अब देखो, जो ये वाला डेटा है ये आपको पुरानी ब्लोकरा में नहीं मिलेगा देखने को, जो न्यू ब्लोकरा है उसमें ये एडिशन है. ठीक है, क्योंकि जो न्यू ब्लोकरा में कुछ चीज़ें ऐड हुई है, हर एक पार्ट में ऐड हुई है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है. और जो कमीशन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो जो न्यू एडिशन है ब्लोकरा का, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. ऊना वॉज वन ऑफ द तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब टिल 1966. जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, किसका क्या आंसर होने वाला है, कि ऊना वॉज वन ऑफ द तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब टिल 1966. डॉक्टर अनुसी, गुरदासपुर या फिर होशियारपुर. देखो दोनों ही आंसर है, गुरदासपुर होशियारपुर. क्या इसका आंसर होने वाला है? होशियारपुर है ना, कंफ्यूजन है ना, पता सबको है कि यार पता नहीं कौन सा होगा, तो ये क्लैरिटी रखनी है. डलहौजी था पार्ट ऑफ गुरदासपुर. ठीक है, देखो इसमें भी था ना कंफ्यूजन, इवन कि ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पंचभीषम मेला इन ऊना डिस्ट्रिक्ट इज रिलेटेड विद डेरा बाबा रुद्रू, दर्शानी खुंड एंड धौली धार और चारण गंगा आर रिलेटेड विद डेरा बाबा बड़बाग सिंह. दर्शानी कुंड, ये ऊना, अब हम पहुंच गए, ये ऊना से रिलेटेड है. मैंने, ठीक है, मैंने कोशिश करी है. देखो कुछ चीज़ें तो वैसी होगी जो आपको पता होगी, वो क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आई हूँ. मैं कुछ वैसे क्वेश्चन जो मेरे को लगा कि थोड़े से नॉट श्योर, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है. ठीक है, बलोकरा से ही ये क्वेश्चन लिया है और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है, पंचभीषम मेला है ये, देखो कांगड़ा में भी लगता है, बट ऐसा नहीं है कि फिर ऊना में ही लगेगा, पर ये कांगड़ा में भी लगेगा, ऊना में भी लगता है, और ये डेरा बाबा रुद्रू से रिलेटेड है. और जो ये चरण गंगा है, धौली धार और जो चरण गंगा, ये डेरा बाबा बड़बाग सिंह से रिलेटेड है. इसकी कुछ मान्यता भी है, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ी थी. हाँ जी, हाँ जी, साहिल चौधरी, हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 61. देयर आर 39 सीट इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1951. ठीक है, डॉक्टर वाईएस परमार, गौरी प्रसाद एंड पदम देव वर पार्ट ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री आफ्टर हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन इन 1951-52. कांग्रेस पार्टी गॉट 24 सीट इन दी हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन. पंडित जयवंत राम वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो 39 सीट्स नहीं थी, कितनी सीट्स थी, 36 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे. ठीक है, और बाकी जो भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जो कि सभी मेरे को बिल्कुल ठीक दे रहे हैं. अब है क्वेश्चन नंबर 62 कि शाह नहर जो प्रोजेक्ट है, चांगर है, नदौन है और बल वैली है, ये आपके कहाँ कहाँ पर है? जल्दी से मुझे इसका भी आंसर दो, क्योंकि 7:30 पे आपका एक और सेशन होगा, तो हमें 7:30 पे क्वेश्चन सभी चीज़ों को बाइंड अप करना है, कंप्लीट करना है. तो मुझे 62 का, इसीलिए जितनी जल्दी आप आंसर दोगे 62 का बी, शाह नहर कहाँ पर है, जो 62 का बी.
ठीक है, तो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, शानेर कांगड़ा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। 63, अगेन हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा है, तो ये भी मुझे बताइए कि जो बल वैली आपकी मंडी में है, चांगर आपका बिलासपुर में है। यस भावना, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद चंद के द्वारा। ठीक है, सिंपल है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अर्थ नरेश्वर टेम्पल, अर्थ नरेश्वर टेम्पल इज ऑफ विच स्टाइल? आपको ये भी बताना है कि जो ये टेम्पल है ये कहाँ पर है। अब मुझे साहिल चौधरी जो मुझे बोल रहे थे कि फास्ट करवाओ, उनका एक भी आंसर मुझे देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि 64 का शिखर स्टाइल है, लेकिन ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये टेम्पल आपका? भावना, वेरी गुड, भावना ने सबसे पहले आंसर किया है, ये है आपका मंडी में। ठीक है, मंडी में। और कौन कौन से टेम्पल्स हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल प्रदेश। सेकेंड है जो अभी के टाइम पे जो आपकी चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना और हमीरपुर है, उनके सेम नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। पंचवक्ता भी है, भूतनाथ भी है। हाँ जी, वेरी गुड। देखो तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसी भावना की है, मानसी की है, डॉक्टर अनु की है। तो ये भी ठीक है। और जो ये चंबा, सोलन, सिरमौर की कितनी सीट्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीट्स है तो ठीक है, लेकिन कितनी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर एंड कुल्लू की तो 4 है, और जो ये वाले आपकी स्टेटमेंट थी उसमें 5 सीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इसका कौन मुझे करेक्ट आंसर देने वाला है? क्वेश्चन नंबर 66 का जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कौन मुझे करेक्ट देने वाला है? मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकली मैप्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है? आई नो ये बहुत सभी लोग इस, देखो इसमें मुझे पता था कि ये आंसर में कोई स्किप करेगा, सी सी सी, ठीक है कोई नहीं, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे वेरिएशन मुझे देखने को मिल रहे हैं और किसी का भी कोई करेक्ट आंसर मुझे अभी नहीं दिखा। तो जो आंसर है वो है डी, सेनोजोइक इरा, है ना, सेनोजोइक इरा इज दी, नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेनोजोइक इरा इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, हिमाचल प्रदेश केम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर, या आपको क्रोनोलॉजिकल पार्ट में लगाना है। ठीक है, सेकेंड है बिलासपुर बिकेम अ पारसी स्टेट, हिमाचल प्रदेश केम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी को इसका ईयर भी पता है, ठीक है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है जिसने, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना। ठीक है, विशाल राजपूत का डी, डी नहीं है इसका आंसर। देखो फिर से वेरिएशन मुझे देखने को मिले, इवन ये क्वेश्चन भी पहले हमारे सेशन में आ चुका है। ठीक है, भावना का ए है, दीपिका, अभिषेक, तो जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, देखो अभी हमारे पास, ठीक है, इसके इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर देखना कि कौन सा ईयर किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हिमाचल प्रदेश वॉज अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम इन 2015-16, द ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम इन कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन कोलेबोरेशन विद जीका। इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ठीक है और कौन से स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इसलिए लाए हैं, हो सकता है कि जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको इजी हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ढूंढने से मिलती है, हर जगह पे ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, ये आपको बताना है हिमाचल प्रदेश टेनेट्स एक्ट के बारे में कि इसमें क्या आपको, कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है। क्वेश्चन नंबर 69, जी हाँ, 68 की दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, इट वॉज इनेक्टेड आफ्टर द मर्जर ऑफ अ फ्यू एरिया ऑफ पंजाब इनटू एचपी यूटी,
जब यूटी बना था, हिमाचल प्रदेश जो ये वाला एक्ट था 1971 वाला, फॉर ए ब्लैंकेट बैन, ठीक है, ब्लैंकेट बैन ऑन इजेक्शन ऑफ टेनेंट फॉर 5 ईयर. द एक्ट वॉज फर्स्ट पास्ड इन 1968. इसका क्या आंसर होने वाला है? 69 का आंसर सिर्फ 2-4 लोगों ने दिया है जो इसका करेक्ट आंसर है. देखो यहाँ पे 5 ईयर का ब्लैंकेट बैन नहीं था, 1 ईयर का था, ठीक है. तो यही यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए 1 और 3 जिन्होंने सी आंसर किया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70, विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. ये आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है बिलासपुर की, ठीक है. तो क्या होगा इसका आंसर 70 का? 70 का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल ठीक है. 70 का जो आंसर है वो है सी, ठीक है. डेहर, ओहर और बैरीघाट, ये तीनों ही फिशिंग ग्राउंड है, कहाँ पर? बिलासपुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको मिलाओ कि एवरेज रेनफॉल कितना है हिमाचल में. रेनफॉल इन धर्मशाला, रेनफॉल इन लाहौल स्पीति एंड रेनफॉल इन स्पीति. ईजी क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका क्या आंसर होने वाला है? एवरेज रेनफॉल कितना है हिमाचल में? 1520 धर्मशाला में है, 3400 mm लाहौल स्पीति में है, 500 mm और स्पीति में है 50 mm. इन दोनों में कन्फ्यूजन के चांसेस है, बट आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा. स्पीति और लाहौल स्पीति में ध्यान रखना है बस थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो जल्दी से बताओ, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कौन नहीं था कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड. मनकू, कुशला, किशनलाल, कुशाला या बसिया या फिर निक्का. देखो निक्का नहीं था. निक्का कहाँ का था? चंबा का था. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 73, हु हेडेड द कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच रिकमेंडेड द ट्रांसफर ऑफ मोर सब्जेक्ट टू द टेरिटोरियल काउंसिल इन 1962. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, तो इसका क्या आंसर होगा? मुझे जल्दी से बताओ कि इसका क्या आंसर होगा. 73 का बी, मानसी. देखो जल्दी से आंसर बताओ. यस, अशोक सेन कमेटी ने क्या बोला था कि जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसको ज्यादा पावर दी जाए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 74, बैजनाथ टेम्पल से ये रिलेटेड है कि जो बैजनाथ टेम्पल है वो आकर 1204 में बना है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है. वैद्यनाथ से को ये डेडिकेटेड है, ठीक है. इसको कीरग्राम के नाम से जाना जाता था. मनयुक्का एंड हुक्का, ये जो दो चीज़ें थी. तो 74 का मैक्सिमम लोगों ने आंसर भी दे दिया है. 74 का जो आंसर है वो है डी. तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है. ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बताना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. सेकेंड है, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू इंश्योर पार्शियल कवरेज ऑफ सैनिटेशन इन रूरल एरिया ऑफ द स्टेट. संसार चंद का, तो इसका क्या आंसर होगा? 75 का फर्स्ट इज इनकरेक्ट. देखो इसकी जो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, मैं बता देती हूँ. यहाँ पे 12 है, ये पार्शियल नहीं है, ये टोटल कवरेज है, फुल कवरेज है, ठीक है. तो 75 का जो आंसर है वो क्या होगा? बी, ठीक है. आई होप कि जो आप आज का जो सेशन था वो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है, और इनकेस अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और कल भी सेशन रहेगा, कल जो हमारे टॉपिक्स है वो है मंडी है, सिरमौर है, ठीक है, जो आपको मिल जाएंगे. तो आप कल और 4 डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है. और अभी जो नेक्स्ट सेशन है जो कि निशान सर लेंगे करंट अफेयर पे, आप उसी में भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करिएगा. थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट. देखो मुझे बहुत मज़ा आया है आपके सेशन में, और कल हम फिर से इसी तरह से सेशन लेंगे और जल्दी थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं कल.